उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने मातमी त्योहार मुहर्रम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए पूरी पुलिस फोर्स को सजग रहने के भी निर्देश जारी किए हैं, जिसको लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ऐतराज जताया है। शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद ने तो यहाँ तक कह दिया कि डीजीपी मुकुल गोयल द्वारा जारी किया गया बयान अलकायदा और तालिबान जैसा लग रहा है। मौलाना साहब, मुहर्रम को लेकर एक डीजीपी कार्यालय से गाइडलाइन जारी हुई है, जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ भाषा शैली है जिसको लेकर विरोध? जी, वो गाइडलाइन उसमें कहीं भी नहीं है, बल्कि उसमें शियों को अपमानित किया गया है और झूठी और मनगढ़ंत बातें उसमें की गई हैं कि शिया मुहर्रम के जुलूस पर तबला पढ़ते हैं जिससे झगड़ा होता है, जबकि कोई मुहर्रम के जुलूस पर तबला नहीं पढ़ा जाता। और ना आज 25 साल 24 साल हो गए, ना आज तक कोई झगड़ा हुआ कोई शिया सुन्नी कोई जुलूस को लेकर। और उसके अलावा और पता नहीं क्या कि पतंगों पर तबला लिखते हैं और आवार जानवरों पर लिखते हैं। अभी कोई भी आप लोग संज्ञान में कोई आया हो या अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिए कि कभी कोई ऐसा वाकया हुआ कि किसी आवारा जानवर पर तबला लिखा गया, कोई वाकया ऐसा? ये झूठ, बिल्कुल टोटल झूठ है, इसका टोटल झूठ है, जिन्हें इससे शिया सुन्नी दंगा फैलने का खतरा है। पूरी यूपी में टेंशन फैल गया है शिया सुन्नी मुहर्रम को लेकर। और यही नहीं, बल्कि इन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि यौन संबंधी वाकयात होते हैं, घटनाएँ होती हैं मुहर्रम में जुलूसों में, तो ये तो गाली है जो दी उन्होंने। ये मुहर्रम मनाने वालों को उन्होंने गाली दी है, गंदी गाली दी है कि यहाँ यौन संपत्ति घटनाएं होती। कौन सी कभी घटना होगी उसका कोई रिपोर्ट हुई तक? कभी कोई FIR हुई, कभी कोई शिकायत हुई, कभी कोई ऐसा आया उनके संज्ञान में? इतना बड़ा झूठ वो बोल दिया उन्होंने, इतनी बड़ी जिम्मेदार अहदे पर बैठे वो इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, सबसे खतरनाक जुमला उनका ये है कि गाय का वध होता है, यानी गाय खुशी होती है, गाय को काटा जाता, तो ये कहाँ होता है? ऐसा कभी लखनऊ में हुआ, कहाँ हुआ ये? इसका मतलब हिंदू मुस्लिम दंगा भी मुहर्रम के ज़रिए वो फैलाना चाहते हैं। तो क्या मकसद क्या है उनका? ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है, मैंने तो कहा भी, ऐसा लगता है किसी अलकायदा के मुल्ला ने बयान दिया हो। ये किसी DJP का बयान नहीं लग रहा है, लगता है अलकायदा जो जितने इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं सब तालिबान और अलकायदा वाले इल्ज़ाम लगाते हैं। तो बाकी का कदम क्या होगा? अब पहली बात तो हमने ये कही है कि भाई हम लोग इनकी जो नकली पीस मीटिंग होती हैं उनके हम बायकॉट करते हैं, क्योंकि इनके बयान ही से झगड़ा फैल जाएगा तो पीस मीटिंग से क्या फ़ायदा है? लिहाजा किसी जब तक ये बयान वापस नहीं होता उस वक्त तक जो है वो हम किस लोग किसी भी इन लोगों की मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। और मुख्यमंत्री जी तक भी हम बात पहुँचाएँगे, बल्कि मोदी जी तक भी बात पहुँचाई जाएगी कि भाई ये पूरे हिंदुस्तान में झगड़ा फैलाने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में शिया सुन्नी सब मुहर्रम पर आते हैं। और आप कह रहे हैं मुहर्रम में गाय का वध होता है, गाय को काटा जाता है, तो इससे पूरा हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो सकता है कहीं पर भी। आप कहते हैं यौन संबंधी घटनाएं होती हैं, तो इससे कितनी बड़ी बदनामी हो रही पूरी। आपको बता दें कि DGP ने अपने आदेश में कहा कि असामाजिक तत्वों और अफवाह फैलाने वालों पर विशेष नजर रखें, किसी भी हरकत पर कड़ी कार्रवाई करें, हर जिले में पर्याप्त संख्या में पुलिस PSC बल रिजर्व रखा जाए, हर परिस्थिति से निपटने के लिए योजना तैयार करें और उसकी रिहर्सल करें। सावन मास के बीच मुहर्रम पड़ने से संवेदनशीलता बढ़ गई है, लिहाजा कड़े प्रभावी कदम उठाए जाएं। पंजाब केसरी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।